सत्ताधारी दल को ये याद रखना होगा कि हमारे साहसी सैनिकों के बेशकीमती बलिदान को मोदी सरकार व भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए वोट बटोरने का साधन नहीं बना सकते। अनेकों प्रेस कॉन्फ्रेंस, पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स द्वारा भारी भरकम प्रचार प्रसार करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक का पूरा श्रेय सेना की बजाय भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को दे डाला। एक तरफ तो मोदी सरकार जय जवान जय किसान के नारे का राजनीतिक शोषण कर रही है, तो दूसरी तरफ सर्जिकल स्ट्राइक की वीर गाथा को वोट हथियाने के लिए इस्तेमाल करने की शर्मनाक कोशिश। झूठे जुमलों से ऊपर उठ अब देश जवाब मांग रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुई और श्रीमान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हुई जो सर्जिकल स्ट्राइक और सैन्य ऑपरेशंस थे, उनकी सफलता को लेकर छाती पीटने और छदम राष्ट्रवाद दिखाने के लिए क्या इन दोनों प्रधानमंत्रियों या उनकी सरकार ने मोदी जी की तरह कभी कोशिश की थी?